बच्चों, आपका स्वागत है। यह है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो मैंने क्लास 10th के लिए बनाया है, और ये 11th 12th के बच्चे इसे कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। आइए देखें। मान लो दो परमाणु हैं जो एक दूसरे के अनंत में है, तो देख सकते हो परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रक में, और जो लाल जो स्पॉट देख रहे हो वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो पहले परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने न्यूक्लियस, और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? आकर्षण। और दूसरे का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी केंद्रक से लेकर पहले का आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा आकर्षण। इस आकर्षण के कारण दोनों एटम क्या होगा? एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी केंद्रक और दूसरे केंद्रक के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा रिपल्सन, तो जिसके वजह से एक नियरेस्ट डिस्टेंस पे दोनों एटम आके रुक जाएंगे। इसी नियरेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आपको केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? जब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीसीज वेयर अट्रैक्टिंग रिपल्सिव फोर्सेज बैलेंस ईच अदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। न्यूनतम दूरी जहाँ एटम मॉलिक्यूल या आयंस एक दूसरे के अट्रैक्टिव यानी आकर्षण और विकर्षण बल को संतुलित करे, उसे हम लोग कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आइए अब देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है बंधन, रासायनिक बंधन, इसके चार ही भाग हैं। एक है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड। आपके 10th के सिलेबस में आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी क्या आपका आयनिक बंधन और कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन ही सिलेबस में, और जितने तरह के बंधन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब बॉन्ड ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड है उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, किसी फॉर्मूला देख के कि ये विद्युत संयोजी बंधन है। तो उसको पहचानने के लिए बच्चों याद रखिएगा, किसी भी यौगिक में एक धातु तत्व जरूर रहेगा जो ये बताएगा कि वो आयनिक बंधन यानी कि विद्युत संयोजी बंधन है। एग्जाम्पल के तौर पर CaO मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या Na2CO3। तो देखिएगा सभी यौगिक में एक धातु तत्व है। धातु तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सब में वक्त मेटल लगा हुआ है। तो ये क्या होगा? सभी यौगिक क्या होगा? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। बच्चों देखें कि विद्युत संयोजी बंधन किस तरह से बंधा है। तो याद देखिएगा कि इसमें जो धातु तत्व है उसके वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन माने आखिरी कक्ष में देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में घूम रहा है, ठीक। दूसरा तत्व है क्लोरीन जिसके वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन माने आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। अब देख सकते हैं कि ये जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी कक्ष में वो क्लोरीन के 7 जो इलेक्ट्रॉन जो है आपके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उसको आदान प्रदान, ये देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो Na क्या बन गया? Na प्लस, और Cl क्या बन गया? Cl माइनस। तो ये Na प्लस और Cl माइनस दो आयन बन गए, और ये दूसरे एक दूसरे के साथ आकर्षण माने विद्युत संयोजी बंधन के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे। तो इसी से हम लोग याद रखिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग जो आयनिक बंधन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं Na प्लस और F माइनस। देख सकते हैं कि Na एक इलेक्ट्रॉन F को दिया, तो Na क्या बन गया? Na प्लस, और F क्या हो गया? F माइनस, और ये दोनों एक दूसरे से सड़ जाते हैं माने अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये होगा आपका एग्जांपल के आयनिक बंधन किस तरह से बनता है। आइए देखें इसका हम परिभाषा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक। वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आइए अब देखते हैं सहसंयोजी बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों याद रखना कि ये जो बंधन है उसके यौगिक में कोई भी धातु तत्व मौजूद नहीं रहेगा, याद रखना नहीं रहेगा कोई भी धातु तत्व जैसे क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3। तो याद रखना इन सभी यौगिकों में कोई धातु तत्व नहीं है, जैसे सोडियम, पोटेशियम कोई धातु तत्व यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन एलिमेंट और इन ट्रांजिशन मेटल नहीं रहेंगे। आइए देखें परिभाषा। The covalent bond is formed by the sharing of the electrons among the atoms within the different non-metallic elements. वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहसंयोजी बंधन। देखिए कि
लुईस डॉट स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड यानी कि विद्युत संयोजी बंधन का भी होता है, जैसे NaCl, और सहसंयोजी बंधन यानी जैसे कि मीथेन का भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सहसंयोजी बंधन मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कार्बन, उसका एटमिक नंबर हो गया 6, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने EC, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहला में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आखिरी कक्ष में कितना होगा, 4, ठीक है। तो ये जो चार देख सकते हैं, तो ये जो चार है आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये आपका बताएगा वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, ठीक। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले, वो होगा 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 1 ही हो जाएगा इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना था, 4, उसको हम लोग दिखाएंगे डॉट से। तो जैसे कार्बन आ गया, देखिए ब्लैक ब्लैक 4 डॉट दिखा रहा है कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हरा रंग का दिख रहा है हाइड्रोजन, उसका वैलेंस शेल हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्रॉस से दिखाएं। देख सकते हैं जो कार्बन तत्व है उसका 4 डॉट इलेक्ट्रॉन है और 4 क्रॉस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया उसका, 8। तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यह बताता है कि प्रत्येक जो तत्व हाइड्रोजन को छोड़ के उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्टेट रूल। तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, मान रहा है। तो यहाँ कार्बन का 4 डॉट इलेक्ट्रॉन और 4 क्रॉस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जो ब्लू कलर का सर्किल देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है डॉट और हाइड्रोजन का जो क्रॉस, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर रहा है, वापस शेयर ले रहा है, ठीक। तो 4 हाइड्रोजन है, तो उसी तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर रहा है अपने साथ, ठीक। तो पहले क्या किया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसे शेयर करने दिया, जिसका वजह से उसका ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट। अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने साथ शेयर करके अपना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिखा रहा है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ये 4 बॉन्ड बना रहे, तो ये जो शेयरिंग हो रहा है उसको हम लोग बॉन्ड से दिखाएंगे। याद रखिएगा बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन विद्युत संयोजी बंधन नहीं बना रहे, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सहसंयोजी बंधन, इसीलिए ये बॉन्ड जो लाल रंग का डैश देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड। तो कार्बन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, जो विद्युत संयोजी बंधन में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन और कार्बन बनाए सहसंयोजी बंधन, यह है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस वीडियो से आपने जो कुछ सीखा उसे दोहराइएगा, धन्यवाद।